सो मच, आप सबको दिल से थैंक यू। मैं लाइव आया था लेकिन मैं एक्चुअली नेटवर्क की वजह से मैं आप सबसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ा। जितना भी मैं आप सबका धन्यवाद दूं बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों ने, मैं 3 घंटे पहले आप सबसे एक सौगात मांगा था कि बस इसको एक नंबर पे लाइए, और मेन पेज पे आप लोगों ने नए साल की शुरुआत जो मुझे दी है, नए साल का जो सौगात आप सबने, एक प्यार भरा आशीर्वाद जो मुझे दिया है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। इसीलिए मुझे अपने आप पे नहीं, आप सब पे घमंड होता है। इसलिए मुझे घमंड आप सब पे होता है कि आप, जब भी मैंने कुछ मांगा है कभी आप सबने निराश नहीं किया है। और जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है, मैं बस जिंदगी में एक ही चीज करना चाहता हूँ, सिर्फ काम। और मैं आप सबसे भी यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी कलाकार बंधु हैं, जितने भी न्यूज रिपोर्टर बंधु हैं, मैं सब आप सबसे यही कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे प्यार करिए। मैं आप सबका विरोधी नहीं हूँ, आप सबका बेटा हूँ, आप सबका भाई हूँ। आप लोग मुझे मत बनाइए दुश्मन। आप सबका प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट मिला तो हम सब एक दूसरे को प्यार में पकड़ के, एक दूसरे का को प्यार करके भोजपुरी की भाषा को बड़ा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को गंदा बोल के, एक दूसरे का गाना चुरा के, एक दूसरे को नीचा दिखा के हम एक दूसरे को बड़ा कर सकते हैं। नहीं, हम अपने भाषा को नीचा दिखाते हैं। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ मुझे प्यार करके देखिए। आप सबकी कसम खा के बोलता हूँ कि आप जहां भोजपुरी को नहीं देखे होंगे ना, वहां कोशिश करेंगे हम लोग सब एक दूसरे के सपोर्ट से, जब हमारी भोजपुरी वहां भी जाके खड़ी हो जाए, हमारा भाषा वहां जाके खड़ा हो जाए। क्योंकि हमारा भाषा बड़ा होगा, हमारी लैंग्वेज बड़ी होगी, तो कहीं ना कहीं हम बड़े हो गए, क्योंकि हमारी अस्तित्व हमारे भाषा से है। खेसारी लाल यादव भी इस धरती का आदमी है, तो ऐसा नहीं कि भाषा बाद में आया, खेसारी पहले आया, नहीं, पहले भाषा आया उसके बाद खेसारी लाल यादव पैदा हुआ। मैं इसीलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि मैं उस कलाकार बंधुओं से भी, किसी का भी गाना अगर आपके पास आता है तो एक बार उसको सवाचिए, जांचिए। एक गाने से ना आपका करियर बन सकता है और ना ही बिगड़ सकता है, लेकिन हाँ, 10 लोगों को इंसान दुश्मन। मेरा लगातार एक भाई ने तो मेरा लगातार 7 से 8 गाने गा दिया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप गाइए ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन जो जिसका मैं शूटिंग कर दिया, सबकी मेहनत है, किसी राइटर का ऊर्जा लगा हुआ है, किसी म्यूजिक डायरेक्टर का ऊर्जा लगा है, किसी कंपनी का पैसे लगे हैं, मेरा मेहनत लगा हुआ है, एक आपकी गलती की वजह से वो सारी मेहनत और सारी चीजें बेकार हो जाएगी। तो मत करिए आप लोग ऐसा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो तू हमारा मुंह मांगुरी कर, कहिया ना हम बर्दाश्त करे, बताओ ना तू लोग, हम इंसान न ही। भगवान राम को भी जरूरत पे लड़ना पड़ा, मैं नहीं चाहता, मैं अपनों से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किससे लड़ूंगा, आप भी मेरे अपने ही हैं, मेरे भाषा के लोग हैं। मुझे, आप भी काम करिए, आपसे, आपको लगे कि हाँ खेसारी भैया का हेल्प चाहिए।